प्लीज हम लोग अपनी हालत देखो मतलब इस आई डोंट थिंक ये लुक इज बेटर एवर बिफोर आई थिंक इतना इतना वो आदमी वो वाइन की तरह ना और सब प्लीज अरे यार हम लोग इधर सुबह सुबह का शो देखना है कि प्रमोशन के लिए भाग रहे लोग आ रहे हैं सबको पकड़ो हाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं सबको उनको पकड़ो हाँ बोलो सर पहले तो मूवी के बारे में पठान यार देखो मतलब शाहरुख खान इतना हसीन इतना सुंदर कभी पहले लगा नहीं तो हम तो उसको देखने आए थे दिल खुश हो गया और खतरनाक एक्शन है शाहरुख के लिए पहली बार ऐसा रोल है मुझे नहीं लगता वो उन्होंने कभी इस तरह का एक्शन किया है आई थिंक रावण में ट्राई किया था नहीं इस तरह का नहीं किया कभी उन्होंने आपने तो एक पोस्टर भी डाला था शाहरुख सर इंस्टा पे वो तो हम लोग वो तो यार इसलिए तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आए थे मूवी के बारे में काफी सॉन्ग काफी अच्छे अमेजिंग हां मतलब नहीं सॉन्ग फिल्म में एक सॉन्ग है बस फिल्म में एक सॉन्ग है एक बाद में आता है और खतरनाक एक्शन है खतरनाक एक्शन है जॉन और शाहरुख का एक्शन बहुत खतरनाक है जिस प्रकार की फिल्में शाहरुख करते हैं एक रोमांटिक ये वैसी नहीं है बिल्कुल हटके है ये बिल्कुल अलग फिल्म है ये उनका अपना जैसा वॉर थी जैसा टाइगर उस जोन की फिल्म है और शाहरुख इस तरह की फिल्म करते हुए पहली बार देखा मैं ताकि कैसे लगेंगे वो बट क्या बॉडी बनाई भाई उन्होंने अभी सर मुझसे पूछ रहे थे बॉडी कैसे बनाते हैं असली है खतरनाक बन रही है कुछ फैंस बोल रहे थे कि सेकंड हाफ तो ऐसा है कि आप कुर्सी से उठ नहीं सकते इतना कैच नॉन स्टॉप एक्शन है इट्स लाइक वो पूरा फॉर्मेट है नॉन स्टॉप एक्शन है उस तरह की फिल्म आपको अच्छी लगती है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है अब अरे कुर्सी तो उठ नहीं सकते वो तो थ्रू आउट द फिल्म है एज अ फिल्म मेकर सर जिस तरह का टाइम ऐसी फिल्म में देख सकता हूँ बना नहीं सकता जिस तरह का टाइम रहा है बॉलीवुड का और शाहरुख खान का अरे ये सब मुझसे मत पूछो अभी देखो क्या है पठान हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है शाहरुख खान स्क्रीन पे वापस आ रहे हैं और हमें देखना जरूरी है और फिल्म का बहुत सुपर हिट होना जरूरी है मूवी आने वाली है हमारी तो हमारी काफी अच्छा ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों की तरफ से हाँ आप कुछ बताना चाहो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट हम ना उंगली ऐसे करके हैं कि भाई लोग आए और हमारी फिल्म देखें हमारी फिल्म जो है एक छोटी सी पेशकश है एक याद यूथ की कहानी है यंग लोगों की कहानी है लड़की को लेके एक यंग बॉय है व्हाट वुड यू किस तरह से आपको देखो यार कोई भी चीज़ जब नहीं करते हैं तो रिलीज होने के बाद देखते हैं ना लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम लोग सब वेट कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में आपके रिस्पॉन्स के बारे छः साल से वेट कर रहे हैं पिक्चर का ब्रेक मिला है ट्रेलर में भी आप काफ़ी अमेजिंग लग रहे हो थैंक यू सर ट्रेलर लॉन्च में भी आप काफ़ी एक्साइटेड थे जी अगर रिस्पॉन्स के बारे में जी हम खुश हैं हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कुछ और हमने 6-7 साल मेहनत किए वेट किया है अभय देओल को जो लगता है वो कहेगा तो देखो मतलब 15 साल पुरानी बात है 15 साल पुरानी बात है किसी ने पूछा अभय देओल जैसा अच्छा एक्टर इंडस्ट्री में क्यों नहीं काम कर रहा तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने कह दिया उनको बुरा लगा मैंने उनसे माफी मांग ली उनको पब्लिक में नहीं कहना चाहिए और उनको अभी बुरा लग रहा था फिर से माफ़ी मांग लूँगा इतना अच्छा काम किया ट्रायल बाय फायर में तो शुरुआत कहाँ से होती शुरुआत ये हुई थी कि इतना अच्छा एक्टर कहाँ गया अब वो उतना अच्छा एक्टर वापस आ गया करेक्ट तो बात खत्म हो गई ना सेलिब्रेट करो वापस आ गया वो करेक्ट थैंक यू